Hello my dear kids, welcome back. I'm Vandana and we are learning mathematics by Brain Root series. Here's a book children and the name of the book is Mathematics Whirlwinds and this is book primer. So today we will start with a new chapter which is chapter number 15 of your book and the name of the chapter is Money. आपको पता है money क्या होती है? पैसे जिससे हम चीजों को खरीदते हैं. So let's read about money. So we buy and sell different kinds of things with the help of money. हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें, कुछ भी खरीदना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए. तो हम मनी से चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं. In India, we use the following coins and notes. तो यहाँ इंडिया में कौन कौन से कॉइन्स और नोट्स यूज होते हैं? तो कॉइन्स मीन्स सिक्के. तो पहला है 1 रुपी का कॉइन, फिर है 2 रुपी का कॉइन, नेक्स्ट है 5 रुपी कॉइन, फिर है 10 रुपी कॉइन एंड देन 20 रुपीज कॉइन. सो ये सारे क्या हैं? कॉइन्स हैं. ये सारे कॉइन्स हम यूज करते हैं. अब आते हैं हम करेंसी नोट पे. कॉइन के अलावा कुछ पेपर से बने नोट भी होते हैं. तो पहला है 1 रुपी का नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट एंड 500 रुपी नोट. सो ये सारे नोट हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं. दिस साइन, ये जो बना है ना आ र बना के उस पर टू लाइंस खींची हुई हैं, दिस साइन इज द सिंबल ऑफ द इंडियन करेंसी. तो रुपी का ये साइन है. तो हर रुपी के पहले हमने क्या किया? ये साइन लगाया है. तो रुपीज 10, रुपीज 100, रुपीज 200, इसे ऐसे पढ़ेंगे हम. Clear children? Now let's practice. Draw a line from each thing to the money you need to buy it. तो हर एक चीज से हमें क्या करना है? लाइन को ड्रॉ करना है. And here in the first picture you can see 50 rupees. एक कैप है जो कितने रुपीज की है? 50 रुपीज की. तो आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे 50 रुपीज? Yes, here it is. So, जल्दी से कर देते हैं इसे match. Next है एक toy train है. कितने रुपीज की? 200. तो क्या आपको यहाँ पे 200 रुपीज दिख रहा है? Yes, here it is. जल्दी से match कर दिया. Next एक comb है जो कितने रुपीज का है? 10 रुपीज का. तो आपको 10 रुपीज दिख रहा है? Yes, here it is. Next है popcorn. सबको खाना अच्छा लगता है ना? सो पॉपकॉर्न कितने रुपीज का है? 100 रुपीज का. तो क्या यहाँ पे 100 रुपी का नोट है? यस, हियर इट इज. सो जल्दी से हमने इसे मैच कर दिया. नाउ लेट्स फाइंड द टोटल वैल्यू. हमें क्या करना है? यहाँ पे कुछ नोट कॉइन्स बने हैं, नोट बने हैं, हमें इनको प्लस करना है और यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखना है. तो पहला है 2 रुपी का नोट सिक्का कॉइन, अगेन है 2 रुपी का कॉइन और 5 रुपी का कॉइन. तो जब हमने 2 को 2 में प्लस किया वी गेट 4. अब इस 4 में हम प्लस करेंगे 5. तो कितने आएंगे? 4 प्लस 5 9. तो टोटल कितने रुपीज हो गए? 9 रुपीज. नेक्स्ट यहाँ पे 1 रुपी का कॉइन, 2 रुपी का कॉइन एंड अगेन 2 रुपी का कॉइन और इन सबको हम करेंगे प्लस. सो 1 प्लस 2 इज 3 एंड 3 प्लस 2 इज 5. तो टोटल कितने रुपीज हो गए? 5 रुपीज. करेक्ट. नेक्स्ट है 2 रुपी का कॉइन, 5 रुपी का कॉइन एंड 20 रुपी का कॉइन. अब हम इन्हें कर देते हैं प्लस. तो 2 में हमने 5 को प्लस किया, आंसर आया 7. अब 7 में हमने 20 को प्लस किया, आंसर विल बी 27. तो कितने रुपीज है टोटल? रुपीज 27. नेक्स्ट यहाँ पे 50 रुपीज का नोट है, यहाँ पे 20 रुपीज का कॉइन है
एंड यहाँ पे 100 रुपीज का नोट है। तो चलिए जल्दी से इन सब को हम करते हैं ऐड। तो 50 में जब हमने 20 को प्लस किया वी गेट 70, और 70 में जब 100 प्लस करेंगे तो वी विल गेट 170। सो द टोटल अमाउंट इज रुपीज 170। आई होप इट्स क्लियर चिल्ड्रेन। ऐसे ही अगर आपको बाकी क्वेश्चंस मिलते हैं यू हैव टू डू देम। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर मनी एंड आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ मेनी करेंसी नोट्स आर देयर एंड हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर। सो चिल्ड्रेन आई विल बी मीटिंग यू सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।